HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। वक्त का पहिया ऐसा होता है जो कभी भी किसी को भी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ला सकता है। कब राजा से भिखारी बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सफलता को बनाए रखने में कभी कभी किस्मत भी अहम भूमिका निभाती है। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिसने अपने करियर में सफलता तो हासिल करी लेकिन बाद में कुछ ऐसी नीचे गिरे कि अंतिम समय में सड़क पर आ गई। यह नाम 80 के दशक की साउथ फिल्मों का जाना माना नाम था। निशा फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि कमल हसन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी निशा को वो सब ना मिल पाया जो हर एक सफल व्यक्ति को मिलना चाहिए था। दरअसल निशा की इस बतर मौत का जिम्मेदार है उनकी फिल्म का प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर ने निशा को धोखे से वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया था। निशा को मजबूरन कई साल ऐसे ही गुजारने पड़े। इस बात के चलते फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनसे पत्ता काटना शुरू कर दिया था। ना तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई कलाकार निशा से मिलने आता था और ना ही कोई प्रोड्यूसर निशा को काम देता था। फिल्म इंडस्ट्री से काम ना मिलने की वजह से निशा डिप्रेशन में रहने लगी। वेश्यावृत्ति के चलते उन्हें एड्स की बीमारी भी हो गई थी। इस बीमारी और डिप्रेशन ने निशा को सड़क पर ला दिया। अपने अंतिम समय में निशा सड़क पर पड़ी मिली थी जहां उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे।